दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लाया हूँ जिसमें आम तो आम गुठलियों के भी दाम आपको मिलेंगे मतलब जो भी मैं बिजनेस आपको आज बताने जा रहा हूँ उसका हर चीज़ उपयोगी है और हर चीज़ बहुत महंगा बिकता है और आप भी उसका हमेशा कभी ना कभी यूज किए ही होंगे तो दोस्तों इस बिजनेस आइडिया से आप दस लाख रुपये महीने तक भी बड़े आराम से कमा सकते हैं बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों आज मैं आप सबको पपाया के बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ पपाया का पाउडर बिकता है पपाया जो होता है पपीता उसको अपन सुखा के और अगर पाउडर बेचेंगे तो छब्बीस सौ रुपये किलो बिकता है आपके सामने प्रूफ है आप स्क्रीन में देख सकते हैं फिर पपाया का जो पत्ता होता है पपाया पपीता के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको भी आप सुखा के और उनको पाउडर बना के अगर बेचते हैं तो वो अठाईस सौ रुपये किलो बिकेगा और अगर पपाया जो होता है पपीता के अंदर का जो बीज होता है सीड्स अगर आप उसे सुखाकर बेचते हैं तो वो बारह सौ रुपये से ले कर पैंतीस सौ रुपये किलो तक बिकता है तो दोस्तों आपको इसमें बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है और यूनिक बिजनेस आइडिया है ऐसा बिजनेस आइडिया आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिए दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसा एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया लाया हूं जिसके माध्यम से आप बड़े आराम से दस लाख से भी ज़्यादा हर महीने कमा सकते हैं सिर्फ़ एक पपाया की अगर आप खेती करते हैं तो बहुत अच्छा है अगर नहीं करते तो आप पपाया बाहर से भी ला सकते हैं और बहुत सस्ता पपाया मिलता है मैक्सिमम बीस से तीस रुपये किलो बड़े आराम से पपीता मिल जाता है तो दोस्तों इसको क्या करना है आपको कि पपीता को ला के काट के उसको सुखा देना है और पपीता का जो अंदर का भाग होता है उसको भी काट के सुखा लीजिए और जो बाहर छिलका जो बचेगा उसको भी सिखा दीजिए और पपीता के जो छिलका होता है उसका ही पाउडर बना के बेचेंगे तो वो भी तीन हज़ार रुपये किलो के की हिसाब से बिकता है मतलब पपीता का कोई एक भी चीज़ आपको फेंकनी नहीं पड़ेगी और आम के तो दाम मिलेंगे ही आपको गुठलियों के भी दाम मिलेंगे और आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा जैसे कि आप पपीता अगर ले आए हैं तो पपीता के अंदर का भाग जो होता है उसको काट लें और उसको सूखा दें और सुखाने के बाद उसको मिक्सी में पीस के एकदम पाउडर जैसे बना लें और उसको सिर्फ आपको पैकिंग करना है प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं पैकिंग के लिए बहुत ही सस्ते पाँच रुपये छः रुपये से लेके कर बीस रुपये तक डिब्बे आते हैं उन डिब्बों को लेके आप पैक करिए सौ सौ ग्राम दो दो सौ ग्राम और आधा आधा किलो के आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि सौ ग्राम पपाया का पाउडर दो सौ साठ रुपये में मिलता है और इसका पाउडर बना के इसको बड़े आराम से सेल कर सकते हैं इसको सेल आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ऑनलाइन भी कर सकते हैं पहले मैं तीनों का बता दे रहा हूँ कि तीनों को आपको क्या करना है उसके बाद मैं आपको बेचने की प्रोसेस बता दूँगा तो दोस्तों पहला तो हो गया पपाया का पाउडर बना के सुखा के और उसको मिक्सी में पीस के घर में मिक्सी सबके होती है तो उसको पीस के आप पाउडर बना के और उसको भी बेच सकते हैं छोटी छोटी डिब्बी में सौ ग्राम दो सौ ग्राम जैसा भी आप बेचना चाहें और उसके बाद पपाया का जो पत्ते होते हैं पपीता के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनको भी आप तोड़कर कर सुखवा लें और उनको सुखवाने के बाद उनको भी मिक्सी में छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और मिक्सी में उसे आप पीस के और उसका भी पाउडर बनाकर उसे भी डिब्बी में पैक कर दें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे उसी तरह से पैक करना है और उसके बाद उसके अंदर का जो बचेगा वो बचेगा उस पपाया सीड्स बचेगी जो अंदर के बीज बचेंगे उसे भी आपको अच्छे खासे दाम में बेचना है तो एक पपाया से आपको तीन तरह के फ़ायदे होंगे और दोस्तों एक किलो पपीता लगभग तीन या चार किलो पपीता में बन जाएगा मतलब सौ रुपया के आइटम में आपको उसमें कम से कम चार से पाँच हज़ार रुपये मिलने वाला है तो दोस्तों पपाया का पहली चीज़ तो पाउडर हो गया फिर आपको पत्ती का भी आपको बनाना है पाउडर उसको भी बेच सकते हैं और पपीता का जो पत्ती होती है उसका जूस बनाकर भी आप बेच सकते हैं पपीता के बहुत अनेकों नेक फायदे हैं और दोस्तों पपीता एक ऐसा फल है जिसे हेल्थ के लिए काफी लाभदायी माना जाता है पपीता का उपयोग बहुत सी दवाई कंपनियां भी करती हैं कुछ फेस फेस पैक के लिए करते हैं पपीता से फेस पैक तो बनता ही है प्लस इसमें पपीता में उसके पत्ते में भी आपको भरपूर पोषक तत्वों की भरमार रहती है उसमें पपीते के पत्ते में विटामिन ए बी सी डी और इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और कैरोटीन भी होते हैं पपीते के अंदर ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पाचन शक्ति के लिए भी काम करते हैं और गैस के लिए भी काम करते हैं इसका बहुत जगह उपयोग है मतलब इसके हजारों हजार उपयोग हैं इसलिए पपीता की मांग भी बहुत ज़्यादा है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि अभी आप देख सकते हैं कि पपाया की सीट्स मिल ही नहीं रहे हैं अनवेलेबल हैं मतलब वो इतने उसकी सेल है कि वो आपको मिलेगा ही नहीं तो अगर आप इसका बिजनेस करते हैं दोस्तों तो इसमें अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको एक पपाया का पाउडर बनाना है अगर आप लीफ का पाउडर मतलब पपीता की पत्ती का अगर आप पाउडर बना के बेचना चाहें तो पाउडर भी बना के बेच सकते हैं आप जूस बना कर बेचना चाहें तो जूस भी बना कर बेच सकते हैं और उसके बाद पपाया के बीज को भी आप इकट्ठा करके सूखवा के आप धूप में उसे सूखवा सकते हैं और उसे सुखा के आप अच्छी पैकिंग में आप पैक करके और इसे भी अच्छे खासे दाम में बेच सकते हैं बेचने के लिए दोस्तों ऑनलाइन पचासों वेबसाइटें हैं लेकिन मैं आपको चार से दस वेबसाइटों का आपको नाम बता दे रहा हूं जिसमें फ्री ऑफ कास्ट रजिस्ट्रेशन होता है और इसमें आपका एक रुपया नहीं लगेगा लेकिन पपाया का बिजनेस अगर आपको करना है तो फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा एफ इसको फूड का लाइसेंस भी बोलते हैं तो इसका बस लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा जीएसटी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी शुरुआत में क्योंकि जब तक आपका बीस लाख का टर्न नहीं होता बीस लाख से ज़्यादा का टर्न नहीं होता तो कोई भी जीएसटी मैंडेटरी नहीं है कि आपको लेना ही पड़ेगा बिना जीएसटी के भी आप बिजनेस कर सकते हैं जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो जाए तो फिर आप जीएसटी ले सकते हैं और दोस्तों इन सभी चीज़ों को पैकिंग करने के बाद आपको फ्री ऑफ कास्ट में रजिस्ट्रेशन करना है स्नैपडील हो गया बास्केट हो गया और अमेजोन फ्लिपकार्ट इसी तरह पे हो गया एजियो हो गया बहुत सारी जो सेल करती हैं और ख़रीदती हैं ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं ई e कामर्स बिजनेस है जिसमें आप फ्री ऑफ कास्ट रजिस्ट्रेशन करके और अपना जो भी प्रोडक्ट है उसकी फ़ोटो खींच के और उसमें अपलोड करके आप उसमें जैसे ही डालेंगे उसके बाद दो चार दिन बाद आपके पास अपने आप ऑर्डर आना चालू हो जाएगा और दूसरी चीज़ क्या है कि इसको बेचने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बेचना चाहें तो ऑफ़लाइन भी बेच सकते हैं अगर ऑफलाइन आपको नहीं बेचना तो घर बैठे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं घर बैठे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप इन कंपनियों में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उन कंपनियों के बंदे आएंगे और आपके यहां से आपका प्रोडक्ट ले जाएंगे और वो पैसा देंगे और वो सामने वाले जहाँ से भी आर्डर आया होगा वहाँ वो पहुँचाएँगे मतलब आपके यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट बस आपको बनाना है वो आपके घर से आएंगे जैसे अमेजॉन हो गया फ्लिपकार्ट हो गया तो इनके बंदे आपके घर आएंगे आप कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन रख सकते हैं या आप कैश का ही ऑप्शन रख सकते हैं तो पहले आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और उसके बाद आपको प्रोडक्ट देना है तो वो कंपनी वाले आपके पास आएंगे आपका प्रोडक्ट ले जाएंगे और वो डिलीवर करेंगे आपको कुछ भी नहीं करना ना बेचने की झंझट ना ही खरीदने की झंझट बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और इसमें आप लाखों लाख रुपए महीने बड़े आराम से कमा सकते हैं और इन बिजनेस में कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं क्योंकि ये बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ है और ना ही इतनी ज़्यादा जानकारी है लोगों को सिर्फ अधिकतर हमारे भारत में पपीता को आदमी खा ऐसे ही काट के खाता है बाकी इसके पाउडर के इसके लीफ के पाउडर के इसके लीव के जूस के या कि इसके सीड्स के क्या क्या फ़ायदे हैं ये बहुत लोग जानते नहीं हैं इसलिए इस बिजनेस को सब लोग कर नहीं पा रहे हैं इसीलिए आपको इसका ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि इसमें आपको कंपटीशन ना के बराबर मिलेगा और आपकी सेल अच्छी खासी सेल होगी